हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट जो वीडियो था वो बहुत ही लंबा हो गया था, उसके कारण हमने उस वीडियो को वहीं पे एंड कर दिया था। और आगे का जो लेक्चर है हम इस वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल सीखने वाले हैं, क्वार्टर जॉइंट का न्यूमेरिकल कैसे करना है। लास्ट वीडियो में हमने पूरे फेलियर्स देखे थे, है ना, सारे फेलियर्स वन बाय वन डिटेल में देखे थे। तो मैं आपको बता दूँ कि जो भी स्टूडेंट डायरेक्टली ये वाला वीडियो देख रहा है न्यूमेरिकल्स वाला, तो आप ऐसा मत करिए, आप उसके आगे का वीडियो भी देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने आपको जो फेलियर से सारे वन बाय वन बहुत ही डिटेल में समझाया है, ठीक है। अगर उस वीडियो को देखते हो और उसको इस फेलियर्स को समझते हो, तभी ये सम आपको बहुत बहुत आसान लगेगा, ठीक है। अदरवाइज आपको आधा अधूरा समझ आएगा ये जो लेक्चर है जिसमें आपको मैं सम करके दिखाने वाला हूँ पूरा, ठीक है। तो लास्ट वीडियो देखिए, ये मेरा सजेशन है, और उसके बाद ही ये वीडियो अटेम्प्ट करें। लास्ट वीडियो लंबा हो गया था इसीलिए इसको हम अब कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में, है ना। तो देखिए ये सारा सब सीखा था हमने, है ना। तो चलिए इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 और 10 अटेम्प्ट करने वाले हैं, ओके। 7 मार्क्स का ये सम आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, 17 16, ये वाला सम इसलिए लिया क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो फेलियर्स है इसमें कवर हो जाए। और ये कौन सा है मैं आपको बता देता हूँ, ज़रा आप देखिए यहाँ पे कि चैप्टर नंबर 2 पे चले जाते हैं, और चैप्टर नंबर 2 में आप देख सकते हो कि ये क्वार्टर जॉइंट वाले जो है पार्ट, इसके अंदर एक्सप्लेन फेलियर्स वाला जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको समझा दिया था, ठीक है, 3 मार्क्स के लिए। अब देखिए ये सारे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इतने न्यूमेरिकल्स है, उसमें से मैंने अभी कौन सा चूज़ किया है आप देख सकते हो, 9 एंड 10। 9 एंड 10 सेम ही है, बट थोड़ा बहुत थियोरी चेंज करके लिखी है, बाकी आप वैल्यूज़ देखोगे तो सब सेम ही है ना। स्ट्रेस की वैल्यूज़, लोड की वैल्यूज़, तो सब सेम ही है, ओके। तो सारी चीज़ हम फाइंड करेंगे इसके अंदर, सारे डायमेंशंस फाइंड करने वाले हैं, ओके। और जो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उसमें जो भी फाइंड करने का बोला है वो मैं आपको ऊपर ऊपर से समझा दूंगा, वो सम्स आपके प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सम्स करना हम स्टार्ट कर देते हैं, ओके। क्वेश्चन पढ़ते हैं ध्यान से कि हमें क्या करना है। देखिए आप, डिज़ाइन अ स्पिगोट एंड सॉकेट टाइप क्वार्टर जॉइंट टू कनेक्ट टू सिमिलर रॉड। तो दो सिमिलर रॉड को हमें कनेक्ट करना है स्पिगोट और सॉकेट टाइप वाले क्वार्टर जॉइंट से। और जो लोड लगने वाला है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 75 किलो न्यूटन का लोड लगने वाला है। तो यहाँ पे गिवन डेटा में सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि गिवन डेटा के अंदर क्या क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे कैपिटल पी गिवन है 75 किलो न्यूटन, ओके, आप अच्छे से लिख देना। तो 75 × 10³ अगर लिखे तो वो न्यूटन हो जाएगा, है ना, हमें इसको न्यूटन में कन्वर्ट करना है। तो ये जो एक्सियल लोड है बोथ डायरेक्शन में हो सकता है, ओके। तो जो क्वार्टर जॉइंट है वो जनरली टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव दोनों लोडिंग के लिए काम आता है, कैरी करता है वो। और जो 3 स्ट्रेसेस है वो गिवन है, देखिए सिग्मा टी गिवन है टेंसाइल स्ट्रेस, सीयर स्ट्रेस टाउ गिवन है, और जो क्रसिंग स्ट्रेस सिग्मा सी गिवन है, ओके। तो तीनों स्ट्रेस गिवन है उसको हम लिख देते हैं। सिग्मा टी जो अलाउएबल है वो गिवन है कि जो मटेरियल है इतनी ही स्ट्रेस सहन कर सकता है टेंसाइल में। सीयर के अंदर आप देख सकते हो 14 न्यूटन पर mm² ये लोड सहन कर सकता है, स्ट्रेस सहन कर सकता है। सिग्मा सी 100 न्यूटन पर mm², ओके। हमें यहाँ पे देखो लिखा है कि फाइंड ओनली डायमेट्रिकल डायमेंशंस। डायमेट्रिकल डायमेंशंस यानी हमें क्या क्या फाइंड करना है, तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है, तो फाइंड यहाँ लिख देता हूँ मैं कि फाइंड डी D1, D2, D3, D4, ठीक है। और एक्स्ट्रा चीज़ हम फाइंड करने वाले हैं, ये एक्स्ट्रा में रहेगा, B और T, ठीक। तो T तो आपको फाइंड करना ही है, ओके, B एक एक्स्ट्रा है वो हम फाइंड कर देंगे, ठीक है। तो ये तो फाइंड करना ही है, ये B जो है मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ क्योंकि आपको दूसरे न्यूमेरिकल्स करने में ही आपको काम आएगा, है ना। तो सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहला जो फेलर रहेगा वो हमारा फेलर क्या था, टेंसाइल फेलर था रॉड का, है ना। आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना, जो पिछली सारी चीज़ मैंने यहाँ पे रखी हुई। तो ये हमें क्या करना है, रॉड का टेंशन फेलर कंसिडर करना है। तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले, कंसिडरिंग, अच्छे से हेडिंग लगा के आपको लिखना है ये, कंसिडरिंग टेंसाइल फेलियर, टेंसाइल फेलियर ऑफ रॉड, ठीक है। तो रॉड का जो फेलियर था, आपको पता है कि जब रॉड टूटता है तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन दिखता है, ओके। ये सारी चीज़ मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कैसे सर्कल क्यों दिखता है, ओके। इसका डायमीटर हमने डी लिया था, है ना। और फॉर्मूला की बात करें तो लोड इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें एरिया और स्ट्रेस लिखना था, तो एरिया क्या रहेगा, आप भी साथ साथ आप
कोशिश कर सकते हैं। ओके, तो पाई बाय फोर डी स्क्वायर ये एरिया रहेगा, और स्ट्रेस की बात करें टेंसाइल है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सिग्मा टी। ओके चलो, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो कैपिटल पी जो गिवन है वो हम लिख देते हैं 75 इंटू 10^3 इज इक्वल टू पाई बाय फोर डी स्क्वायर, यहाँ डी हमें मिलेगा, और सिग्मा टी जो गिवन है वो है 50। ओके, तो यहाँ से हमें डी को फाइंड करना है। तो डी का जो आंसर आएगा, तो आपको डी का आंसर निकालना है। ओके, 75 इंटू 10^3 में मल्टीप्लाई हम करेंगे 4। देखिए आप यहाँ पे सबसे पहले ये जो 4 है वो इसके मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, तो हम मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे। 75 इंटू 10^3 टाइप करना है, मल्टीप्लाई बाय 4 करना है, और डिवाइड में कौन कौन जाएगा, देखिए डिवाइड में एक तो जाएगा पाई और दूसरा जाएगा 50। ओके, तो डिवाइड बाय हम ब्रैकेट करके लिखना है, ठीक है, ब्रैकेट करके लिखना है 50 और मल्टीप्लाई बाय पाई। ओके, तो आपको कुछ आंसर आएगा 1909.85, पर ये डी स्क्वायर का आंसर है, ये डी स्क्वायर का आंसर है। डी स्क्वायर का आपको क्या करना है, रूट करना है, तो यानी रूट आंसर करोगे इसी आंसर को, तो आपका कुछ आंसर आ रहा है 43.7। ओके, 43.70 है तो वो लिख नहीं रहा, और इसको मैं राउंड ऑफ कर देता हूँ 44 mm। ओके, तो डायमीटर है, तो आप अगर मेरा सजेशन मानो तो डायमीटर जो रॉड का या किसी का भी लेते हो तो आप इवन वाले डायमीटर्स लो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो डायमीटर्स हमने 43.7 को क्या बना दिया, 44 बना दिया। ओके, सो ये हमारा पहला एक आंसर आ गया है ना, तो पहला आंसर हमारा आ गया है डायमीटर का, जो आ रहा है 44 mm। ठीक है, तो चलिए सेकंड फेलियर की ओर बढ़ते हैं हम। तो सेकंड फेलियर कौन सा था, आप देखिए जरा, कि फेलियर ऑफ स्पिगॉट अक्रॉस द वीकेस्ट सेक्शन है ना, तो हम स्पिगॉट का फेलियर कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे हम अच्छे से लिख देते हैं कंसिडरिंग टेंसाइल फेलियर ऑफ स्पिगॉट अक्रॉस कहाँ पे, वीकेस्ट सेक्शन पे। ओके, तो उसका फिगर हम बना लेते हैं, ये फिगर था ऐसा, और बीच में स्लॉट था, और जो मटेरियल हमें आजू बाजू ही दिख रहा था। ओके, स्पिगोट का डाया है, तो स्पिगोट का डायामीटर हमने क्या लिया था, D2 लिया था, और ये चीज़ आपको मैंने बोली थी कि जो अगर बुक है तो बुक में आपको ये डायामीटर D1 दिखेगा। ओके, तो बुक के हिसाब से करते हो और मेरे हिसाब से करते हो, उसमें डिफरेंस क्या है कि आपको D2 और D1 में रिप्लेस दिखेगा, मतलब D2 की जगह D1 दिखेगा, D1 की जगह D2 दिखेगा, है ना, बाकी काम तो वही करना है। फॉर्मूला क्या बना था, लोड इज इक्वल टू यहाँ पे पाई बाय फोर D2 स्क्वायर में से माइनस किया था हमने रेक्टेंगल का एरिया D2 इंटू टी, ठीक है, ये था एरिया, और स्ट्रेस की बात करें तो ये स्ट्रेस थी सिग्मा टी। ओके, तो यहाँ पी जो है, पी क्या है, 75 इंटू 10^3 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ थोड़ा ध्यान से करना आप, जैसा मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ वैसा ही करना, क्योंकि ये क्वार्टर जॉइंट के अंदर इतना पोर्शन ट्रिकी है, फिर बहुत आसान है ना, इतना पोर्शन आप ध्यान से देखना थोड़ा। तो पाई बाय फोर D2 स्क्वायर, तो D2 का स्क्वायर वैसा ही लिखना है, माइनस ये जो D2 है तो वापस D2 लिख देता हूँ, और जो T है यहाँ पे आपको T का वैल्यू क्या लेना है, D2 बाय 4 लेना है। ओके, D2 बाय 4 लेना है, मल्टीप्लाई बाय सिग्मा टी, तो सिग्मा टी क्या गिवन है भाई, तो ये रहा सिग्मा टी 50 गिवन है ना, तो यहाँ लिख देते हैं 50। ओके, तो ये सबसे पहले हम काम क्या करते हैं, जो 50 आपको दिख रहा है उसको हम ले जाते हैं ये जो 75 इंटू 10^3 के डिवाइड में, ठीक है, तो 75 इंटू 10^3 के डिवाइड में आ गया है 50, और तो ब्रैकेट लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो हमारा और एक काम आपको ये भी करना है कि जो 4 4 जो डिवाइड में दोनों के पास है वो दिख रहा है उसको आप बाहर निकाल लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे D2 स्क्वायर, चलिए एक मिनट में यहाँ पे लिख देता हूँ पहले, कि पाई बाय 4 इंटू D2 स्क्वायर माइनस, यहाँ पे भी देखिए अब D2 स्क्वायर बन रहा है ना, और डिवाइड बाय 4 हो रहा है, और ब्रैकेट बना देता हूँ वापस, कोई बात नहीं, 50 तो उस तरफ चला गया, तो 75 इंटू 10^3 डिवाइड बाय 50 करते हैं तो आंसर आ रहा है 1500। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1500, सो 1500 इज इक्वल टू, देखिए अभी इन दोनों में से कॉमन निकालने की बात करूँ तो D2 स्क्वायर बाय 4 अगर दोनों में से कॉमन निकालते हैं, क्योंकि निकल रहा है आप देख ले D2 स्क्वायर बाय 4, तो यहाँ पे क्या बचा, पाई बचा इस वाले में, माइनस यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1,
यानी पाई माइनस वन, और पाई का आंसर होता है 3.14, और उसमें से माइनस वन होगा तो वो हो जाएगा 2.14। ठीक है, और ये जो 4 है डिवाइड में वो मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा 1500 के, और डिवाइड में क्या आएगा, ये पाई माइनस वन, पाई माइनस वन यानी 2.14। ओके, आपको पाई ही लिखना है, ठीक है, आपको अगर पाई लिखना है तो। और फाइनली यहाँ पे डी टू का आंसर आपको मिल जाएगा। तो चलिए डी टू का आंसर क्या आएगा, ये जो 1500 इंटू 4 करिए डिवाइड बाय, आपको क्या करना है, पाई माइनस वन करोगे तो ठीक है, बाकी 2.14 कर दो, तो 2803.73 आ रहा है, उसका आप अंडर रूट करना है, ठीक है, 52.95। तो देखिए इसका आंसर आ रहा है 52.95। तो इसको मैंने आपको क्या बताया था कि डायामीटर वाले डायमेंशन है, तो आपको ऑड में नहीं लेना है, आपको इवन में लेना है, तो 53 ना लेते हुए मैं इसको 54 ले लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डी टू का आंसर आ गया, और थिकनेस भी उसके साथ साथ आ जाएगी, कि थिकनेस होता है डी टू बाई 4, यानी 54 बाई आप 4 करोगे तो आपका आंसर आएगा 13.5 mm। बट ये फाइनल डायमेंशन नहीं है, क्योंकि इसके बाद जो है उसका चेकिंग करना है दोनों डायमेंशन का, है ना। आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो थर्ड, तो क्रशिंग फेलर ऑफ स्पिगोट एक्चुअली ये क्या है, चेकिंग वाला फेलर है। इससे आप, इस फेलर से आपको चेक करना है कि ये सही है कि नहीं डायमेंशन। ओके, तो यहाँ पे हेडिंग क्या डालेंगे नेक्स्ट, कि चेकिंग, चेकिंग द स्पिगोट, चेकिंग द स्पिगोट इन क्रशिंग। अब आपको क्रशिंग में स्पीगोट को चेक करना है, तो यहाँ पे एक वापस सेम फिगर बना लेंगे, थोड़ा यहाँ पे जगह कम है मेरे पास, ये सेम वाली फिगर आपको बनानी है और सेम स्लॉट बनाना है, बट इस बार जो फेलियर है वो क्या है, क्रशिंग वाला है, यानी ये जो सेंटर का जो स्लॉट है वो डैमेज होने के चांसेस हो जाते हैं। डायमीटर भी डी टू ही रहेगा और थिकनेस टी रहेगी। ओके, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला बनाते हैं, कैपिटल पी इज इक्वल टू, ये डायमेंशन फाइनल नहीं करने, चेकिंग करने के बाद यहाँ पे पता चलेगा कि वो ही डायमेंशन है कि कुछ फेल हो रहा है, तो हमें नया डायमेंशन लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो यही पोर्शन है जो क्वार्टर जॉइंट के अंदर ट्रिकी है। अगर ये पोर्शन आपने आसानी से निकाल लिया ना, तो क्वार्टर जॉइंट आपके लिए बहुत आसान है, बस इतना ही पार्ट आप थोड़ा शांति से करना है ना, ये जो सेकंड वाला फेलर है जो डी टू निकालने वाला, और बुक के हिसाब से समझे तो डी वन निकालने वाला है ना, सीधी बात है, क्योंकि मैं यहाँ पे डी टू लिया है, आपको अतुल की जो बुक है उसमें आपको डी वन दिखेगा। ओके, मैं खुरमी फॉलो करता हूँ, इसीलिए यहाँ पे हम डी टू ले रहे हैं, जैसे खुरमी, आर एस खुरमी ने जैसे यूज़ किया है। ओके, तो फॉर्मूला की बात करें तो एरिया, एरिया आएगा डी टू इंटू टी और मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेस, तो यहाँ पे जो सिग्मा सी क्रशिंग स्ट्रेस है उसको यहाँ पे मैं आई एन डी लिख रहा हूँ, इंड्यूस्ड, तो इंड्यूस्ड क्रशिंग स्ट्रेस यहाँ पे आप देखो ध्यान से, तो ये आपको फाइंड करना है ना। मैं यहाँ पे जगह है तो यहीं पे लिख देता हूँ। ओके, तो चलिए कैपिटल पी जो है वो क्या है, 75 × 10³ विच इज इक्वल टू डी टू इंटू टी, तो डी टू हमारा निकल चुका है तो ये हम डाल देते हैं 54, और टी है हमारा 13.5, मल्टीप्लाई बाय, हमें हमें क्या ढूंढना है यहाँ पे, सिग्मा सी इंड्यूस ढूंढना है। तो चलिए सिग्मा सी इंड्यूस का आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे लिख लेते हैं। चलो, तो 75 × 10³ डिवाइड बाय, ब्रैकेट करके डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई 54 इंटू मल्टीप्लाई बाय 13.5, 54 इंटू मल्टीप्लाई बाय 13.5, तो 102.88 आ रहा है। ओके, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अभी ये हमारी पैदा होने वाली स्ट्रेस है क्रशिंग के अंदर, यानी इस लोडिंग से इतना स्ट्रेस पैदा हो जाता है, तो क्या हमारे पास अलोएबल है इतना स्ट्रेस, नहीं है। देखिए आप, अलोएबल स्ट्रेस कितना है, 100 ही है। ये 100 स्ट्रेस का मीनिंग ये है कि 100 से ज़्यादा जाएगा तो फेल हो जाएगा, तो यहाँ पे वही केस हो रहा है। यहाँ पे आपका आंसर क्या आ रहा है, कि सिग्मा सी इंड्यूस जो है इज ग्रेटर देन आ रहा है सिग्मा सी अलोवेबल से, है ना, जितनी आपको परमिशन मिली है उससे कहीं ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब अवर डिज़ाइन इज नॉट सेफ इन क्रसिंग। तो इस केस में आपको क्या करना है, इस केस में आपको डी टू और टी वापस फाइंड करने हैं, ये जो नीचे वाली फॉर्मूला है क्रसिंग वाली उससे, है ना। तो हम यहाँ पे वापस उस फॉर्मूला को लिख लेते हैं, पी इज इक्वल टू डी टू इंटू टी इन द ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय सिग्मा सी। अब इंड्यूस मत लिखना, ठीक है, ये तो चेकिंग वाला था, अब चेकिंग नहीं कर रहे, अब हम डायमेंशन फाइंड कर रहे हैं इस फॉर्मूला से। ओके, तो पी आ जाएगा हमारा 75 × 10³ विच इज इक्वल टू डी टू, और टी क्या लेना है, वापस डी टू बाय 4 लेना है, और सिग्मा सी जो है वो आपको जो गिवन है 100 गिवन है वो लेते हैं।
ठीक है, तो आपका यहाँ से d2 मिल जाएगा, तो d2 स्क्वायर होगा ये, तो फिर अंडर रूट करके आपको आंसर निकालना है ना। सबसे पहले ये 4 जो है आप देखोगे कि ये जो 4 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 75 × 10³ में और डिवाइड में आ जाएगा 100, तो 100 डिवाइड हो जाएगा, आंसर आ रहा है 3000, उसको अंडर रूट करते हैं तो आंसर आ रहा है हमारा 54.77, जिसको हम 55 नहीं बट 56 mm ले लेंगे, ठीक है। और लास्ट में हमारा टी जो टी है वो क्या फाइंड कर देगा, d2/4, इसका मतलब 56/4। ओके, सो 56/4 जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 14 आ रहा है। ओके, सो ये हमारा फाइनल आंसर है, तो इसको हम अब फुल एंड फाइनल कर देते हैं, ठीक है। तो बस यही सबसे टफेस्ट पार्ट बोलते हैं क्वार्टर जॉइंट में, d2 और t को निकालना, है ना, क्योंकि d2 और t पहले फॉर्मूला से निकालते हो बट दूसरे फॉर्मूला से निकालने जाते हो तो कभी कभी इस तरह से फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फेल होता है तो आपको वो वापस फाइंड करना पड़ेगा, वो जो जिस फॉर्मूला से वो फेल हो रहा है, ठीक है। तो d2 और t यहाँ पे निकल चुका है, अब कोई टेंशन नहीं है क्योंकि अब जो है वो फुल एंड फाइनल डायमेंशन है, अब फेल नहीं होगा क्योंकि क्रसिंग के हिसाब से निकाला है जिसमें वो फेल हो रहा था, ठीक है। तो चलिए, ये d2 निकल गया है हमारा, t निकल गया है, तो d2 मिल गया है, d मिल गया है और t मिल गया है। अब आगे का फेलर बोल देखते हैं, तो आगे का फेलर कौन सा है, टेंसाइल फेलर ऑफ सॉकेट अक्रॉस द वीकेस्ट सेक्शन। तो टेंसाइल फेलियर हम अब सॉकेट का देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि कंसिडरिंग, देखिए ये सम क्या है, 7 मार्क्स का है तभी लंबा है, बट आपको एग्जाम में 7 मार्क्स का सम नहीं आएगा, आपको एग्जाम में 3 या तो 4 मार्क्स का सम आएगा। तो आपको कुछ ही डायमेंशन फाइंड करने होंगे, है ना, जो उन्होंने क्वेश्चन में बोले हैं वो मैं आपको समझाऊंगा, आप एंड तक वीडियो देखोगे तो आपको सब समझ आ जाएगा, है ना। तो कंसिडरिंग दी टेंसाइल फेलियर, कंसिडरिंग द टेंसाइल फेलियर ऑफ सॉकेट, अब सॉकेट का टेंसाइल फेलियर है एक्रॉस स्लॉट, यानी जहाँ पे उसका स्लॉट है, ओके सॉरी द स्लॉट, तो उसका जो फिगर है आप देख सकते हो कि उसका फिगर आप यहाँ पे देखो, ये बनाया हुआ है, ये रहा है ना फोर्थ नंबर का फेलियर, तो उसका फिगर होलो आएगा और यहाँ ऊपर के तरफ स्लॉट है और यहाँ पे मटेरियल अवेलेबल है ये वाले हिस्से में, ठीक है। और डायमीटर की बात करें तो ये जो डायमीटर है वो है d1, अतुल के हिसाब से देखोगे तो वहाँ आपको d2 दिखेगा और ये जो अंदर वाला d2 है अतुल में आपको d1 दिखेगा, ठीक है, यानी चेंज दिखेगा, ये इंटरचेंज हो जाएंगे। तो अब उस हिसाब से फार्मूला लिखना, कैपिटल पी फार्मूला क्या रहेगा मेरा, π/4 ब्रैकेट करके लिखना पड़ेगा d1² − d2², ये एरिया हो गया, माइनस मुझे करना पड़ेगा d1 − d2 इंटू टी, ठीक है, इंटू टी करना पड़ेगा, ये मेरा एरिया का आंसर है। और मल्टीप्लाई बाय मुझे क्या करना है, यहाँ पे थिकनेस मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेस करनी है जो है सिग्मा टी। ओके, तो चलिए यहाँ पे अब हम 75 × 10³, इसके ये d1 जो डायामीटर है ना, जो सॉकेट का डायामीटर, आउटसाइड डाया ऑफ सॉकेट, ये पूछने के चांसेस बहुत कम रहते हैं एग्जाम में, ये शायद ही पूछेगी। ओके, ये जो तो सारे वैल्यूज पुट कर देते हैं, d1² − d2², तो d2 हमारा आंसर अभी अभी आया है 56 का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देते हैं 56 का स्क्वायर − d1 − 56 मल्टीप्लाई बाय जो t हमारा आया है 14। ओके, और जो सिग्मा t है वो हमारा गिवन है, सिग्मा t क्या गिवन था भाई, 50 गिवन था, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 50, है ना, ये फिगर आपको कंफ्यूज मत होना, ये सम इस तरफ चल रहा है। तो सबसे पहले 50 को डिवाइड कर देते हैं 75 × 10³ से, तो 75 × 10³ डिवाइड बाय 50 करते हैं तो 1500, वापस यहाँ पे 1500 आ गया है, तो ये लिख देते हैं 1500। और यहाँ की बात करें तो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो कि जो π/4 है तो आप π/4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, सो आपका आंसर क्या आएगा, π/4 का मतलब क्या होता है, देखो π/4 का मतलब होता है 0.785, तो 0.785 यहाँ अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 0.785 d1² − उसी को हम 56 को स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर हमारा आ रहा है 2463.00 आ रहा है, तो वो मैं नहीं लिख रहा हूँ,
ओके okay? और यहाँ ये वाला जो पोर्शन है इसमें ये जो 14 है ये हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं d1 के साथ और 56 के साथ। आगे माइनस है तो यहाँ साइन चेंज करना मत भूलना, अदरवाइज गलत हो जाएगा सब कुछ। तो 14 d1 और माइनस माइनस प्लस बन के ये एक सबसे खास चीज़ है ना, प्लस करना 56 × 14। तो 56 × 14 का आंसर आ रहा है 784, 784। ठीक है, तो जो 1500 आपको दिख रहा है उसको हम उस तरफ ले जाएंगे और यहाँ पे हम कर देंगे ज़ीरो। ठीक है, ये ज़ीरो कर देते हैं और वहाँ पे 1500 माइनस में चला जाएगा। ठीक है, तो पहले 0.785 d1 स्क्वायर, फिर हम लिख देते हैं -14 d1, ये वाला पहले लिख देते हैं -14 d1, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा है ना यहाँ पे। और ये जो 2463 माइनस में और 784 जो है, 784 माइनस 2463 ये कर दिया, और ऊपर से 1500 उस तरफ से आया ना, तो -1500 और करना है आपको। ठीक है, तो -1500 करने के बाद आपका जो आंसर आ रहा है -3179। ओके, और सबको ये डिवाइड बाय 0.785 डिवाइड कर देते हैं सबके डिवाइड में। ओके, इसके भी और इसके भी, और ज़ीरो से डिवाइड करोगे तो कोई ज़ीरो तो ज़ीरो ही रहेगा। ओके, और तो ज़ीरो इस तरफ लिख देते हैं, LHS का RHS करवा देते हैं। सबको 0.785 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले d1 स्क्वायर आएगा, -14 को भी डिवाइड कर देते हैं 0.785 से, तो आपका आंसर आ रहा है 17.83, 17.83 d1 माइनस 3179 जो है उसको भी हम डिवाइड कर देते हैं 0.785 से, तो आंसर हमारा आ रहा है 4049.68। ओके, तो अगर क्वाड्रेट दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, ए होता है जो यहाँ पे क्या है 1, कोएफिशिएंट ऑफ d1 स्क्वायर। बी होता है ये वाला देखिए आप -17.83। ओके, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप स्टैंडर्ड 10 के अंदर पढ़े थे तो वो फार्मूला आपको याद होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ओके, ए बी सी मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो बात करते हैं डी वन की, तो डी वन का फॉर्मूला क्या था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। ये 10th का जो फार्मूला है ये आपको याद होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले माइनस बी, बी जो है माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 17.83, फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, सो बी स्क्वायर तो -17.83 का स्क्वायर माइनस 4ac, ए क्या है 1 है और सी जो है -4049.68 है। ठीक है, और होल डिवाइड बाय 2a, ए 1 ले लिया है, देखिए इसीलिए मैंने ए को 1 कर दिया था कि आगे जाके आपको प्रॉब्लम ना आए। ओके, तो चलिए अंडर रूट का आंसर हम निकाल लेते हैं। तो अंडर रूट का आंसर क्या आता है, प्लस माइनस, अंडर रूट का आंसर तो हम निकालते हैं 17.83 जो माइनस है वो स्क्वायर करोगे तो प्लस ही हो जाएगा, और फिर वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा उसके अंदर, तो प्लस करेंगे 4 × 4049.68। ओके, 68, तो ये आ गया अंडर रूट के अंदर का आंसर, और उसका अंडर रूट करते हैं तो आंसर आ रहा है 128.517, और होल डिवाइड बाय 2 1 2 तो है ही, तो ये आंसर आने वाला है हमारे डी वन का। ठीक है, यहाँ साइड पे करता हूँ मैं, तो डी वन का जो आंसर आएगा एक प्लस में आएगा और माइनस में, तो प्लस वाले ही आएगा। ठीक है, माइनस वाला तो आएगा नहीं क्योंकि माइनस में डायमीटर होगा नहीं, तो हमारा प्लस वाला ही हम लेंगे। ओके, माइनस वाला हम करेंगे ही नहीं, प्लस क्या आएगा 128.517 और डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर क्या आ रहा है उसमें प्लस करता हूँ, 7.83 डिवाइड बाई 2, तो दिस आंसर इज 73.17, 73.17 विच इज़ इक्वल टू, हम इसको क्या लेते हैं 74 mm ले लेते हैं। ओके, सो दिस इज अवर डी वन है ना, एक और हमारा डायमीटर यहाँ पे मिल गया है ना। तो चलिए अब हमारा काम हो गया है डी वन डी टू। ओके, डी टू तो हमने पहले ही निकाल लिया था, अब डी वन भी आ गया, अब खाली डी थ्री और डी फोर और बी और टी बाकी है। ठीक है, तो अब बी और टी, पहले बी निकाल लेते हैं है ना। तो अब नेक्स्ट फेलियर क्या है, देखिए क्वार्टर का फेलियर सी डबल सीयर में है ना, तो ये अब फटाफट हो जाएगा सब। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि कंसिडरिंग कंसिडरिंग
डबल सीयर ऑफ क्वार्टर, फेलियर आपको याद रखने हैं सारे, डबल सीयर ऑफ क्वार्टर। तो क्वार्टर का डबल सीयर में मैंने आपको सिंपल एक फिगर बनाने को बोला था, आप एक रेक्टेंगल बना लेना और यहाँ पे टी लिख लेना और यहाँ पे बी लिख लेना, ठीक है। फॉर्मूला की बात करें तो डबल सीयर है तो 2 times b into t करना था हमें और मल्टीप्लाई बाय टाउ करना था। तो जो पी है वो 75 × 10³ है मल्टीप्लाई बाय 2, बी तो हमें फाइंड करना है, थिकनेस हमारे पास अवेलेबल है तो वो है 14 और टाउ, तो टाउ क्वेश्चन में क्या गिवन है आप देखिए 40, ओके तो टाउ है 40। तो चलिए यहाँ से आपको बी का आंसर मिल जाएगा, है ना। तो बी का आंसर हम निकाल लेते हैं 75e³ डिवाइड बाय 2 × 14 × 40, तो आपका आंसर आ रहा है 66.96। तो इसको हम ले सकते हैं 67 क्योंकि ये कोई डायमेट्रिकल डायमेंशन नहीं है, ये विड्थ है, ओके तो दिस इज विड्थ, तो ये बी मिल गया है हमें, ओके। चलिए इतने फेलियर्स हो गए हैं, नेक्स्ट फेलियर्स पे जाते हैं। तो सिक्स फेलियर क्या है, फेलियर ऑफ सॉकेट कॉलर एंड क्वार्टर इन क्रसिंग, ओके। तो सॉकेट के कॉलर का और क्वार्टर का क्रसिंग, इसके लिए जो फिगर है वो इसके जैसी, ये जो ये वाला आपको फिगर दिख रही है उसके जैसी ही दिखेगी, पर सेंटर वाला क्रसिंग वाला पार्ट दिखेगा, ओके। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कंसिडरिंग, आप हेडिंग थोड़ा सिंपल रख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको कि कंसिडरिंग क्रसिंग फेलियर ऑफ सॉकेट, ओके सॉकेट, तो सॉकेट का क्रसिंग फेलियर आप यहाँ पे बता सकते हो कुछ इस तरह से, ये थोड़ा आप सर्कल अच्छे से बना लेना, ओके सो यहाँ बीच में डॉट 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 कर देना। ये जो बड़ा वाला डायमीटर है ये आपके लिए है D4 और सेंटर वाला जो डायमीटर है वो है D2, ओके और थिकनेस है हमारी T। तो चलिए फॉर्मूला क्या बनेगा, D4 - D2 × t बनेगा एरिया और मल्टीप्लाई बाय जो स्ट्रेस है वो रहेगी सिग्मा सी। तो चलिए लोड है हमारा 75 × 10³, D4 तो फाइंड करना है, D2 तो D2 हमारा क्या था फाइनल 56, चलिए 56 और थिकनेस थी हमारी 14 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा सी जो है वो 100 है ना, गिवन है क्वेश्चन में, आप देखिए 100, चलो 100, तो यहाँ से आपको मिलेगा D4। तो D4 का जो आंसर आ रहा है आपको कैलसी में डायरेक्ट निकालना है, 75 × 10³ डिवाइड में कौन आएगा 14 आएगा, डिवाइड में 100 भी आएगा और हम प्लस कर देंगे 56 को, तो 109.57 इसको हम कर देंगे 110 mm, ठीक है। तो चलिए ये मिल गया हमारा D4, अब एक ही डायमीटर बाकी है जो है D3, ओके और उसकी थिकनेस है T1, तो वो दो चीज़ हम फटाफट फाइंड कर लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्या आएगा, कंसीडरिंग क्रसिंग फेलियर ऑफ स्पीगॉट कॉलर, ठीक है स्पीगॉट के कॉलर का क्रसिंग फेलियर, जिसके लिए आपको फिगर मैंने पहले बता चुका हूँ कुछ ऐसी थी और डॉट 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 कहाँ पे था, ये रिंग वाले पोर्शन में डॉट डॉट था क्योंकि क्रसिंग है, ओके और जो ये कॉलर है स्पीगॉट का जिसका डायमीटर है D3 और अंदर का जो डायमीटर है वो है D2, ठीक है। और फॉर्मूला हमारा क्या था, होलो सर्कल वाला, तो पाई बाय 4 D3² - D2² ये है एरिया मल्टीप्लाई बाय क्रसिंग स्ट्रेस यानी सिग्मा सी। तो चलिए लोड हो गया 75 × 10³, पाई बाय 4 तो डायरेक्ट ही मल्टीप्लिकेशन में है, इंटू D3² जो निकालना है माइनस D2², तो D2 क्या है 56 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय जो सिग्मा सी है वो है 100। तो चलिए यहाँ से आपको मिलेगा D3, तो D3 आपका आंसर क्या आएगा, आप करिए 75 × 10³ मल्टीप्लाई बाय पहले 4 करते हैं, डिवाइड में मैं पाई कर देता हूँ और डिवाइड में 100 भी करना है और प्लस आपको करना है 56 का स्क्वायर, और ये जो भी आंसर आएगा वो स्क्वायर का आएगा, इसलिए अंडर रूट करना मत भूलना, क्योंकि अंडर रूट नहीं करोगे तो आपका आंसर बड़ा दिखेगा और आपको लगेगा कुछ गलत हो रहा है,
तो ये 63.96 आंसर आ रहा है, तो 64 mm हमारा D3 भी आ गया है। और एक लास्ट काम रह गया है, ये जो कॉलर है उसकी थिकनेस। ओके, तो वापस एक और फेलियर इसी का ले लेते हैं कि कंसिडरिंग सीयर फेलियर, ठीक है, सीयर फेलियर ऑफ स्पीगॉट कॉलर, स्पीगॉट कॉलर का सीयर फेलियर, जिसके लिए मैंने आपको एक इस तरह से फिगर सिखाई थी, यहाँ पे डॉट 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 डॉट, और ये बनाना था स्पीगॉट, और कॉलर जो है वो बाहर निकल चुका है, और जो यहाँ से निकला है वो हमें इंडिकेट करना है कि यहाँ से निकला है, ठीक है, और वो पीछे का रॉड वाला पोर्शन है ना, ये मत बनाना। तो ये है हमारी थिकनेस T1, और ये जो डायमीटर है ये है D2। ओके, तो इसका फार्मूला सरकमफेरेंस इंटू थिकनेस, तो पाई D2 इंटू थिकनेस, और टाउ रहेगा इसका स्ट्रेस। ओके, तो चलिए 75 इंटू 10^3 मल्टीप्लाई बाय, चलो इक्वल टू पाई इंटू D2, तो D2, अच्छा यहाँ T1 थिकनेस आएगा, सॉरी, क्योंकि यही तो हम फाइंड कर रहे हैं ना, T1 फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि थिकनेस ये क्या है, कॉलर की थिकनेस है जो है T1। ओके, ये वाली जो थिकनेस है ना वो T1 है, स्पीगोट के कॉलर की थिकनेस D2। तो D2 हमारा है 56, T1 हमें फाइंड करना है, और टाउ है, टाउ था हमारा 40। ओके, तो टाउ को लिख देते हैं 40, तो यहाँ से T1 मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ साइड पे T1 का आंसर लिख देते हैं, तो T1 आ रहा है 75 इंटू 10^3, डिवाइड में आपको करना है पाई, डिवाइड में आपको करना है 56, और डिवाइड में आपको करना है 40। सबको डिवाइड करने के बाद आपका कुछ आंसर आ रहा है 10.657, जिसको हम ले लेते हैं 11 mm, ठीक है, तो ये आ गया हमारा T1। ओके, तो सारे डाइमेंशंस हमारे आ गए, D आ गया हमारा, D के बाद सबसे पहले हमने D2 फाइंड किया, फिर हमने फाइंड किया D1, फिर हमने फाइंड किया D4, D2, सॉरी D3, और थिकनेस में T और T1, और लास्ट में एक BB लिख देते हैं। ओके, ये सीक्वेंस में मैंने अरेंज नहीं किया है, मैंने ऐसे ही अरेंज कर दिया है। तो D हमारा सबसे पहले क्या आया था, देखिए आप सारे आंसर्स हम लिख देते हैं, 44 mm आया था आंसर। ओके, तो 44 mm, फिर D2 हमारा आया था 56 mm, D1 की बात करें तो D1 आप देखिए बहुत ही मेहनत से हमने D1 निकाला था, तो D1 का आंसर आया था क्वाड्रेटिक जो फार्मूला लगा के 74 mm, फिर D4, तो D4 आया है 110, सबसे बड़ा डायमीटर, और D3 अभी अभी हमने फाइंड किया 64 mm, थिकनेस 14 mm हमने पहले ही निकाल ली थी, T1 जो लास्ट में हमने निकाला 11 mm, और विड्थ जो हमने निकाली थी क्वार्टर की ये रही 67 mm। ओके, तो ये हमारे सारे डायमेट्रिकल डायमेंशंस, और ये डायमेट्रिकल डायमेंशंस में नहीं आएगा, बट ये मैंने एक्स्ट्रा बताया हुआ है जस्ट आपके लिए। ओके, एक्स्ट्रा। तो अब आप जो है ना, देखिए सेकंड वाला सम पढ़ोगे तो देखिए लिखा है स्पीगोट एंड कॉलर डायमेंशंस, ओनली डायमीटर फाइंड करना है, बेंडिंग कंसिडर नहीं करना है, जो तो मैंने आपको बताया ही नहीं है बेंडिंग का केस। ओके, तो सॉकेट एंड स्पीगोट टाइप क्वार्टर जॉइंट कनेक्ट टू सिमिलर रॉड, यहाँ पे एक्सियल लोड देखिए वही है, और स्ट्रेसेस जो है बस खाली मेगा पास्कल के अंदर स्ट्रेसेस दी हुई है, आप देख सकते हो मेगा पास्कल में स्ट्रेसेस दी हुई है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे न्यूटन पर एमएम स्क्वायर बोलो ना या मेगा पास्कल बोलो, दोनों एक ही बात है। तो ये 9 और 10 सम हमारा हो गया है, और उसके बाद बात करें देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं, फर्स्ट वाला तो मैंने आपको बोला था कि आप खुद पढ़ लेना, सेकंड वाला मैंने एक्सप्लेन कर दिया है लास्ट वीडियो में, थर्ड फोर्थ तो यहाँ से स्टार्ट करते थे देखिए, क्योंकि थर्ड फोर्थ में अभी क्या बोला है, रॉड डायमीटर फाइंड करना है, रॉड डायमीटर यानी ये सेम सम है दोनों, है ना, आप देख सकते हो एकदम सेम, तो रॉड डायमीटर यानी आपको क्या फाइंड करना है, डी फाइंड करना है, डी कैसे देखिए आप, ये सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, तो आपको इसी तरह ये सारी चीज़ लिखनी है, और आपको सबसे पहले देखिए टेंसाइल फेलियर फाइंड करके ये वाला फॉर्मूला लगा के आपको फाइंड करना है डी, ये डी फाइंड करना है, ये रॉ डायमीटर आ जाएगा आपका इसी तरह बराबर। बट इस बार जो स्ट्रेस है आप देखिए अलग अलग है ना थोड़ी, मतलब 70 वाली स्ट्रेस लेनी है, और लोड इस बार 75 नहीं है, 80 kN है, बस आप वहाँ ही दोनों उसी दो जगह पे चेंजेस आएगा सिर्फ। ओके, तो पहला आपको रॉ डायमीटर फाइंड करना है, फिर आपको देखिए स्पीगोट डाया फाइंड करना है, स्पीगोट डाया मतलब क्या,
D2 यानी मेरे हिसाब से D2, अतुल के बुक के हिसाब से D1 यानी ये वाला आपको प्रोसीजर करना है। कौन सा? देखिए ये फेलर कंसीडर करना है ये फार्मूला, और इस फार्मूला से आपको ये मिल जाएगा D2 और T। बट ये आपको मैंने बोला कि ये आपको चेक करना पड़ेगा, इसका मतलब आपको ये वाला पार्ट भी करना पड़ेगा। ओके, और ये चेक करने के बाद कि देखो अगर बड़ा आ गया तो आपको वापस फाइंड करना है, तो इस तरह से ये पूरा प्रोसीजर करना है। अगर ये छोटा आ गया तो फिर ये डायमेंशन ही फुल एंड फाइनल हो जाएंगे, है ना। बड़ा आ गया तो ये वापस फाइंड किए, बट अगर लेस देन आया है तो हमारी डिज़ाइन यहीं पे सेफ है, ऐसा लिख देना आप, और D2 और T का वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो T की तो ज़रूरत नहीं है, पूछा नहीं है, तो D2 तो पूछा ही है, तो इतना ही आपको फाइंड करना है। ये देखिए 4 मार्क में पूछा है विंटर 19 लेटेस्ट पेपर में, और समर 19 में 3 मार्क्स में पूछा था, सेम चीज़। आप सोच सकते हो, आपको सिर्फ ये पूरा मैंने बताया है, बट आपको पूरा थोड़ी करना है, आपको तो थोड़ा ही करना है 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के लिए। ओके, तो आपको ये डायमीटर निकालना है, और ये सेकंड वाला ट्रिकी पार्ट, और ये जो थर्ड वाला मैंने ये बड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला बताया है, वो जनरली अब आता नहीं है एग्जाम में, है ना, तो उसका आप टेंशन मत लीजिए। चलिए फिफ्थ सिक्स सेवन सब में देखिए क्या फाइंड करने को बोला है, मैं बता देता हूँ। देखिए क्वार्टर ज्वाइंट है, इस बार 30,000 न्यूटन का लोड दिया है, थिकनेस फाइंड करनी है क्वार्टर की, जो देखिए 1/4 ऑफ द रोड डायमीटर दिया है, यानी यहाँ आपको क्या फाइंड करना है, टी फाइंड करना है। इनर डाया ऑफ सॉकेट फाइंड करना है, इनर डाया ऑफ सॉकेट बोलो या आप स्पीगोट का डाया बोलो, वो सेम ही है, यानी अभी मैंने बात बोला ना, तो D2 फाइंड करना है। कॉलर डाया ऑफ स्पीगोट फाइंड करना है, इसका मतलब आपको क्या स्पीगोट का कॉलर डाया यानी D3 फाइंड करना है। तो चलो मैं बता देता हूँ D3 ये वाला पोर्शन, देखिए आपको ये फेलर कंसिडर करना है, यहाँ से आपको D3 फाइंड करना है। अब यहाँ से आपको D3 मिल जाएगा क्योंकि D2 आपको आपने पहले से निकाला ही हुआ है ना, यहाँ आप D2 पहले निकाल लोगे ना, उसके बाद ही तो D3 फाइंड कर पाओगे। तो यहाँ पे D2 निकल गया होगा, यानी ये आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए ये वाला पूरा लिखना है, उसके बाद यहाँ से D2 निकालना है, TB निकालना है सेम प्रोसीजर से, और एक और काम करना है, ये वाला नहीं करना है, ये करना है, ये जो मैंने अंडरलाइन करके रखा है ये वाला करना है। ठीक है, D3 निकालना है, ये आपका आंसर आ जाएगा, है ना, ये आपका आंसर आ जाएगा इस सब में, फिफ्थ वाले सब में। ओके, सिक्स वाले सम में क्या पूछा है, देखिए सिक्स वाले सम में दिखा ये पूछा है कि डिटरमाइन द फॉलोइंग डायमेंशंस, तो डायमेंशंस तो दिए नहीं है, बट अगर जो भी दिए हैं आपको फाइंड करना है। यहाँ पे आप थोड़ा आप कन्फ्यूज मत होना कि जो थिकनेस लेनी है D1/4 लेनी है, ये चीज़ मैंने आपको सम कराते भी बताया कि ये D1/4, ये जो D1 है ना, ये अभी मेरे अगर सम का आप फॉलो कर रहा हो ना, तो वहाँ पे आपको D2 दिखेगा, ये D2/4 लेके करना है। ठीक है, तो आप मेरे हिसाब से करोगे तो D2/4 लेना। अगर आप अतुल के इस प्रोसीजर से जा रहे हो, यानी अतुल और मेरे प्रोसीजर में यही है कि आपको D1 के जगह D2 दिखेगा, D2 के जगह D1 दिखेगा, इतना ही डिफरेंस है दो प्रोसीजर में। ओके, तो बस तो ये D2/4 लेना अगर मेरा प्रोसीजर फॉलो कर रहा हो, और अतुल का प्रोसीजर फॉलो कर रहा हो तो आपको ये सही दिख ही रहा होगा। ओके, चलो सेवन वाला सम में क्या है, डिज़ाइन करना है 50 किलो न्यूटन इस बार लोड दिया है, और ये जो स्ट्रेसिस है ये 220, 400, 110 दी हुई है, बट आप यहाँ ध्यान से देखोगे ना तो ये बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी गिवन है। तो ऐसे सम में आपको एक ही चीज़ करनी है, आपको पहले फाइंड क्या करना है, देखो डी फाइंड करना है, स्पीगोट डाया D1 फाइंड करना है, इसका मतलब जो मेरा प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं वो लोग D2 फाइंड करेंगे स्पीगोट का डाया, और क्वार्टर का थिकनेस फाइंड करना है ना, यानी जो अभी ये थर्ड फोर्थ सम बताया था ना, वैसा ही करना है। ओके, और इसमें एक नई चीज़ क्या है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो आप यहाँ पे ये सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सिग्मा टी लिखोगे, जो गिवन डेटा आप लिखते हो ना, गिवन डेटा ये वाला आप गिवन डेटा लिखते हो इसके अंदर, तो बस ये गिवन डेटा को एक स्टेप और लिख देना है कि क्या, मैं बताऊँ, यहाँ लिख के बताता हूँ आपको, EU लिख देना अल्टीमेट, क्योंकि अल्टीमेट स्ट्रेसेस गिवन है। ओके, तो सिग्मा टी अल्टीमेट गिवन है, सिग्मा सी अल्टीमेट गिवन है, और सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, टाउ, तो टाउ अल्टीमेट ये सब गिवन है। कितना गिवन है, 220 मेगा पास्कल, 400 मेगा पास्कल और 110 मेगा पास्कल। ठीक है, और लोड तो गिवन है, वो सब मैं अभी नहीं लिख रहा है ना, लोड कितना 50 किलो न्यूटन, यानी कि 50 × 10³ न्यूटन। अब बस आपको ये लेना नहीं है, ये आपको थोड़ी लेना है, ये आपको सिर्फ लिखना है, आपको लेना है सिग्मा टी, आपको वापस फाइंड करना है सिग्मा सी और टाउ। ये कैसे फाइंड करोगे, तो आप ये जो 220 है ना, डिवाइड बाय ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी कर देना, फोर, सिग्मा सी जो है
400 डिवाइड बाय 4 कर देना तो ये तो आ जाएगा 100 मेगा पास्कल, और टाउ जो है टाउ है 110, तो 110 डिवाइड बाय 4 27.5 मेगा पास्कल, और इसकी बात करें तो 55 मेगा पास्कल। तो आपको अब ये भूल जाना है ना, अब ये आपको यही फॉलो करना है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी के डिवाइड करने के बाद जो आपका स्ट्रेस आ रहा है आपको भविष्य में इसी से काम करना है, बराबर, आगे जो भी यूज़ करना है। बस ये सिर्फ इतना ही बताया कि अल्टीमेट है तो उसको आप अल्टीमेट को फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करने के बाद आप अलोएबल फाइंड कर लेना, और अलोएबल फाइंड करने के बाद तो वो प्रोसीजर्स वैसा ही है जैसा मैंने आपको बताया। चलिए, इसके अंदर 40 किलो न्यूटन का लोड है, टेंसाइल स्ट्रेस गिवन है, ओके, और डायमीटर आपको रॉड एंड का फाइंड करना है, डायमीटर ऑफ एनलार्ज एंड ऑफ स्पीगॉट, स्पीगॉट का एनलार्ज एंड यानी कौन सा, D2, ठीक है, यहाँ आपको D फाइंड करना है और D2 फाइंड करना है, ओके। थोड़ा आप यहाँ पे ये कंफ्यूज होगे कि सर टेंसाइल स्ट्रेस दी हुई है तो हम बाकी की स्ट्रेस को कैसे कंसिडर करें, तो बाकी की स्ट्रेस आपको एज्यूम कर लेनी है। तो सिग्मा टी आपने 70 मेगा पास्कल अगर ली है, यानी 70 मेगा पास्कल अगर दी है सिग्मा टी का आंसर, तो आपका सिग्मा सी और आपको टाउ क्या करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा। तो आप एज्यूम कर सकते हो, आप ले सकते हो 1.5 इंटू सिग्मा टी, ठीक है, तो आप 1.5 इंटू 70 करते हो तो आपका आंसर आ रहा है 105 मेगा पास्कल, ठीक है। और टाउ की बात करें, आप क्या कर सकते हो, आप एक सूटेबल स्ट्रेस एज्यूम कर सकते हो टाउ का, तो आप टाउ ले सकते हो 0.8 ले सकते हो, 0.8 ऑफ सिग्मा टी, ठीक है, क्योंकि आपको सिग्मा टी गिवन है ना, तो आपको दोनों बाकी की स्ट्रेस सिग्मा टी के हिसाब से लेनी है, ठीक है। एक को आप 1.5 ले सकते हो, और 1.5 कोई कोई क्या करते हैं डबल भी ले लेते हैं, 1.5 सिग्मा टी टू 2 सिग्मा टी भी लेते हैं, बराबर, पर 2 सिग्मा टी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए आपको क्या लेना है 1.5 टी लेना है ना, तो वो आप ले लेना, और 0.8 इंटू सिग्मा जो टी है वो 70 हो जाएगा, तो 0.8 सिग्मा टी कितना होता है 0.8 56, तो ये आपका आंसर आ गया 56 मेगा पास्कल। तो देखिए, जब स्ट्रेस नहीं दी है और सिर्फ टेंसाइल स्ट्रेस दी है तो डरना नहीं है, आपको ये वाला यूज़ करना है टाउ के लिए और सिग्मा सी के लिए, ठीक है, तो आपका दोनों स्ट्रेस आराम से मिल जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है, ओके। चलिए लास्ट सम की तरफ आ जाते हैं, है ना, इसके बाद ख़त्म हो जाएगा ये। चलो लास्ट सम है, क्या बता रहा है कि 100 किलो न्यूटन है, वर्किंग स्ट्रेस 70 टेंशन में है, देखिए ये आगे गिवन है, सिग्मा टी गिवन है, और सियर स्ट्रेस देखिए ये जो नोटेशन लिया हुआ है 0.8 सिग्मा टी, तो टाउ आपको क्या लेना है 0.8 सिग्मा टी लेना है, ओके। तो ये जो सिग्मा टी कितना है 70 है मेगा पास्कल, तो आपको ये 0.8 इंटू 70 करना है, तो आपका आंसर अभी अभी आया था, कुछ 56 समथिंग आया था, तो आप वो लिख सकते हो, ओके। और ये 2 टाइम सिग्मा टी लेना है, क्या है सिग्मा सी जो है वो 2 सिग्मा टी लेना है, तो देखिए 2 टाइम सिग्मा टी टी कितना है 70, तो ये बन जाएगा आपका 140 मेगा पास्कल। बस स्ट्रेस मिल गए, उसके बाद तो फाइंड क्या करना है, देखिए क्या क्या फाइंड करना है, डायमीटर ऑफ स्पीगोट फाइंड करना है, यानी मेरे हिसाब से अगर मतलब मेरी मेथड से आप देखोगे तो D2 फाइंड करना है, क्वार्टर का थिकनेस फाइंड करना है यानी T फाइंड करना है, ओके। तो D2 T वाला प्रोसीजर करना है, और अच्छा पहला वाला रहेगा डायमीटर ऑफ रॉड, देखिए हर बार यही पूछते हैं D D2 T D D2 T वही पूछते रहते हैं बार बार, है ना, D देखिए इसमें भी D D2 और T ही पूछा है ना, तो 3 या 4 मार्क में 100% आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आपको क्या क्या पूछा जाएगा, डी पूछा जाएगा, D2 पूछा जाएगा, और टी अतुल के हिसाब से आप अगर देखोगे तो यहाँ पे D1 होगा, वापस एक और बार बता देता हूँ, अतुल के हिसाब से D1 दिखेगा, तो D D1 DT ये आपको फाइंड करना है अतुल के हिसाब से, और अगर मेरा प्रोसीजर फॉलो कर रहा हो तो आप D D2 और टी को फाइंड करना है, ये 3 से 4 मार्क में एग्जाम में आएगा ही आएगा, ओके। तो चलिए, अब नेक्स्ट वीडियो में हम नकल जॉइंट का पूरा न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छे से समझेंगे, ठीक है। और एक चीज़ मैं गारंटी देता हूँ कि अगर क्वार्टर जॉइंट आपको हार्ड लगा है तो आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि उसके और में आता है नकल जॉइंट, और नकल जॉइंट तो बहुत आसान है, ओके। क्वार्टर जॉइंट से आसान आपको नकल जॉइंट लगेगा, तो बस टेंशन नहीं लेना है, ये और में ही आएगा नकल जॉइंट क्वार्टर जॉइंट का सम। तो आपको सोच रहे होगे यार ये थोड़ा हार्ड पड़ गया मुझे क्वार्टर जॉइंट, पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो चलिए, अब मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।